गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल संरचना। क्रिस्टल संरचना किस किस की क्रिस्टल संरचनाएं पढ़ेंगे हम? तो KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड किसका उदाहरण है? साधारण घन का, यानी कि सिंपल क्यूब। CaCl किसका उदाहरण है? BCC का, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। और NaCl किसका उदाहरण है? FCC का, फेस सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, तो हम इन तीनों संरचनाओं का अध्ययन करेंगे, इन तीनों संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं KCl, सबसे पहले लेते हैं KCl। तो KCl कौन सी, किसका उदाहरण है? सिंपल क्यूब का, सिंपल क्यूब का। ठीक है, तो फर्स्ट KCl की संरचना, KCl की संरचना से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात। क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात, मध्य की दूरियों का अनुपात लेंगे अपन। ठीक है, तो क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरियां सिंपल क्यूब के लिए क्या क्या थी? सिंपल क्यूब के लिए थी D100 अनुपात D110 था। ठीक है, D110 अनुपात D111। ठीक है, तो सिंपल क्यूब के लिए क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी का ये अनुपात था। फिर सिंपल क्यूब के लिए साइन थीटा लेते हैं, 1/ अब साइन थीटा 1, ये 1/ साइन थीटा 1 क्यों लिया है? तो डी तो होता है किसके समानुपाती होता है? 1/ साइन थीटा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1/ साइन थीटा 1 अनुपात 1/ साइन थीटा 2 अनुपात 1/ साइन थीटा 3। ठीक है, अब D110 का क्या मान आया था? D110 का मान था यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे क्या था? 1/√2 और 1/√3, 1/√2 अनुपात 1/√3। ठीक है, तो D100 का क्या मान आया था अपने पास? 1। D110 का क्या मान आया था? 1/√2 और D11 का क्या मान था? 1/√3। तो ये क्या है? क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात है। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरियों का जो ये अनुपात है वो साधारण घन संरचना को प्रदर्शित करता है। क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरियों का जो अनुपात आया है ये किसको दर्शाता है? साधारण घन संरचना को प्रदर्शित करता है, जिसमें कोनों पर तो एक ही प्रकार के आयन होते हैं और किनारों के केंद्रों पर विपरीत प्रकार के आयन होते हैं। जिसमें कोनों पर एक ही प्रकार के आयन और किनारों पर विपरीत आयन स्थित होते हैं। ठीक है, तो अपन एक साधारण घन संरचना निर्मित करते हैं, साधारण घन की संरचना निर्मित करते हैं। तो क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात किसको दर्शाता है? साधारण घन संरचना को दर्शाता है। ठीक है, जिसमें कोनों पर एक ही प्रकार के आयन और किनारों के केंद्र पर विपरीत आयन स्थित होते हैं। किनारों के केंद्र पर क्या होते हैं? विपरीत आयन स्थित होते हैं। ठीक है, तो एक साधारण घन बना लेते हैं अपन। ठीक है,
ये साधारण घन मिला लिया। अब क्या है इसमें कण कहाँ कहाँ पे उपस्थित है, साधारण घन में कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं कण, कोनों पर उपस्थित होते हैं और कोनों पर एक ही प्रकार के आयन है और किनारों के केंद्र पर कौन से आयन है, विपरीत आयन स्थित होते हैं। ठीक है, तो कोनों पर एक ही प्रकार के आयन, कोने कितने हैं, आठ कोने हैं। ठीक है, उन आठ कोनों पर एक ही प्रकार के आयन आयन होते हैं, उपस्थित होते हैं और किनारों के केंद्र पर विपरीत आयन स्थित होते हैं। तो ये किनारों के केंद्र है, ये क्या है, किनारा है, उसके केंद्र पर विपरीत आयन स्थित होते हैं। ये इस किनारे का केंद्र, ये इस किनारे का केंद्र, ये इस किनारे का केंद्र। ठीक है, और ये इस किनारे का केंद्र, ये इस किनारे का केंद्र। किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 किनारों के केंद्र पर स्थित होंगे। ठीक है, ये इस किनारे का केंद्र, एक एक इस किनारे का केंद्र और एक इस किनारे का केंद्र, सारे हो गए। तो कोनों पर कौन से हैं, Cl माइनस आयन और किनारों के केंद्र पर कौन से हैं, K प्लस आयन। और अगर हम कोनों पर K प्लस आयन लेंगे तो किनारों के केंद्र पर क्या होगा, Cl माइनस आयन होते हैं। तो ठीक है, तो क्रिस्टल कणों के मध्य की दूरी का अनुपात साधारण घन संरचना को प्रदर्शित करता है जिसमें कोनों पर एक प्रकार के आयन, सभी कोनों पर क्या होंगे, Cl माइनस आयन होंगे और किनारों के केंद्र पर क्या होंगे, विपरीत आयन उपस्थित होते हैं, विपरीत प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं। तो किनारों के केंद्र पर क्या होंगे, K प्लस आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर इसकी तो कोनों पर एक प्रकार के आयन और किनारों के केंद्र पर विपरीत आयन स्थित होते हैं। तो अब देखो ये इसकी है, ये इसकी पहली परत है, पहली परत या एक परत, ये दूसरी परत है इसकी और ये क्या है, तीसरी परत, ये क्या है, तीसरी परत है। तो ये किसका है, एक साधारण घन संरचना है, साधारण घन संरचना। तो ये हो गई क्रिस्टल, KCl क्रिस्टल की संरचना। ठीक है, जो एक साधारण घन संरचना निर्मित करता है। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट आता है ClCl की संरचना, सीजियम क्लोराइड की संरचना। नेक्स्ट क्या आता है, सीजियम क्लोराइड की संरचना। दूसरा है CsCl, सीजियम क्लोराइड की संरचना। ठीक है, तो सीजियम क्लोराइड का त्रिज्या अनुपात 0.93 होने के कारण यह एक काइकेंद्रित घन यानी कि बॉडी सेंटर ट्यूब निर्मित करता है। CsCl का यानी कि सीजियम क्लोराइड का त्रिज्या अनुपात कितना होता है, 0.93 होने के कारण यह यौगिक काइकेंद्रित घन संरचना क्या करता है, निर्मित करता है। तो त्रिज्या अनुपात क्या होता है, धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या अनुपात क्या होता है, धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। तो यहाँ पे धनायन क्या है, सीजियम प्लस है और ऋणायन क्या है, सीएल माइनस है। तो आर सी एस प्लस अपॉन आर सीएल माइनस क्या है, इनका त्रिज्या अनुपात, सीएससीएल का त्रिज्या अनुपात क्या है, 0.93 होने के कारण ये क्या करता है, काय केंद्रित घन संरचना निर्मित करता, काय केंद्रित घन संरचना निर्मित करता है। ठीक है, अब सीजियम व क्लोराइड आयन घन के कोनों और काय केंद्र पर स्थित होते हैं। सीजियम और क्लोराइड आयन जो है वो घन के कोनों और काय केंद्र पर स्थित होते हैं। तो सबसे पहले पहले मैं वो लिख लेती हूँ कि सीजियम क्लोराइड का, सीजियम क्लोराइड का त्रिज्या अनुपात 0.93 होने के कारण यह यौगिक काय केंद्रित घन, काय केंद्रित
घन, बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर ट्यूब निर्मित करता है। ठीक है, अब सीसीएम और क्लोराइड आयन जो है वो घन के कोनों और काय के केंद्र पर स्थित होते हैं। सीजियम और मैं बना लेती हूँ, एक घन बना लेती हूँ। सबसे पहले देखो ये बीसीसी संरचना निर्मित करता है, ये कौन सी संरचना निर्मित करता है, बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड ट्यूब यानी कि काय केंद्रित घन, काय केंद्रित घन। तो बीसीसी संरचना में क्या होता है, कर्ण जो है वो कोनों के अंतर अतिरिक्त एक कर्ण कहाँ उपस्थित होता है, काय केंद्र पर भी उपस्थित होता है। कोनों के अतिरिक्त कर्ण कहाँ उपस्थित होता है, एक काय केंद्र पर भी उपस्थित होता है। तो अपन एक घन बना लेते हैं, या घन बना लिया अपन ने, ठीक है। तो इसमें सीजियम और क्लोराइड आयन जो है वो क्रमशः घन के कोनों व काय केंद्र पर स्थित होते हैं। सीजियम तथा क्लोराइड आयन घन के कोनों तथा काय केंद्र पर स्थित होते हैं, काय केंद्र पर स्थित होते हैं क्रमशः। ठीक है, तो सीजियम जो है वो घन के कोनों पर और क्लोरीन जो है वो काय केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, तो ये बना लिया अपन ने, कोने कितने हैं, आठ कोने हैं। तो उन आठ कोनों पर क्या है, सीजियम है। उन आठ कोनों पर क्या है, सीजियम। ठीक है, तो इन आठ कोनों पर क्या आ गया, सीजियम आ गया। और एक काय केंद्र में क्या है, क्लोराइड आयन है। ठीक है, तो ये क्या है, सीजियम प्लस और वो क्या है, सीएल माइनस। ये क्या है, सीजियम प्लस और ये क्या है, सीएल माइनस। तो बीसीसी संरचना निर्मित करता है तो कोनों पर सीजियम प्लस आयन और कोनों के अतिरिक्त क्या है, एक काय केंद्र पर सीएल माइनस आयन स्थित है। ठीक है, तो अब ये क्या है, एक बीसीसी संरचना है। ये क्या है, एक बीसीसी संरचना है। ठीक है, फिर इस क्रिस्टल संरचना में, इस क्रिस्टल संरचना में एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा ज्ञात की गई तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात भी बीसीसी संरचना प्रदर्शित करता है। इस क्रिस्टल संरचना में एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा ज्ञात की गई तलों के मध्य की दूरी का अनुपात भी क्या करता है, बीसीसी संरचना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात क्या है वो लेते हैं। तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात, तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात। ठीक है, तो क्या है डी, यहां पे क्या लेंगे अपन, 200 अनुपात डी 110 अनुपात डी 110 अनुपात। तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात क्या लेंगे, ये 222 ये लेंगे। तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात डी 200 डी 110 और डी 222। ठीक है, तो अब इसके लिए अपन मान निकालने, इनके डी 200 का क्या मान आता है, तो अपन ने, मैंने एक सूत्र बताया था, डी एच के एल इज इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें, इस सूत्र में अपन ये मान रख देंगे, तो ए अपॉन अंडर रूट ए क्या है, सॉरी एच क्या है, एच है 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस
जीरो का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से इसके लिए a अपॉन अंडर रूट 110 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से d 222 है, ठीक है, सॉरी 222 है, a अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। ये 0 का स्क्वायर 0 0 आ गए, ये दोनों तो क्या 0 0 आ गए। अब अंडर रूट क्या आया, 4 आया, ठीक है। तो क्या आया अपने पास, a अपॉन रूट 4 आया, ठीक है। फिर अनुपात a अपॉन कितना आया, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 क्या हुआ, रूट 2, ठीक है। और अनुपात 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने हुए, 12, तो रूट 12, ठीक है। अब रूट 4 का क्या मान होता है, 2 होता है, रूट 4 का मान क्या होता है, 2, ठीक है। इस अनुपात a अपॉन रूट 2, ठीक है, अनुपात a अपॉन, अब देखो 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, ठीक है, अंडरवुड 4 इंटू 3, अंडरवुड रूट 4 किसका मान होता है, 2 का मान होता है, तो ये क्या हो गया 2, अंडरवुड 4 किसका मान होता है, 2 का मान होता है, पीछे क्या बचा, रूट में 3 बचा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट 12 को 2 रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मान क्या है, a अपॉन 2 अनुपात a अपॉन रूट 2 अनुपात a अपॉन रूट 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करते हैं, तो देखो क्या आता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है, 2 से गुणा कर दिया, तो ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब ये तो नहीं कटे, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। तो पीछे क्या बचा, 1 अपॉन ये 1, ये 1 है, तो ये क्या पीछे क्या बचा, यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ क्या है, 2 अपॉन रूट 2, ये क्या है, 2 अपॉन रूट 2, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, पीछे क्या बचा, अनुपात 1 अपॉन रूट 3। तो तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात क्या आया, 1 अनुपात 2 रूट 2 अनुपात 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो ये आ गए इनके तलों के मध्य की दूरी, ठीक है। अब ब्रैग समीकरण से गया तलों के मध्य की दूरी, दूरियों का अनुपात, और मिलर घातांकों से प्राप्त तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात क्या करता है, बीसी संरचना को प्रदर्शित करता है। ब्रैग समीकरण से क्या, तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात और मिलर घातांकों से प्राप्त तलों के मध्य की दूरी का अनुपात क्या करता है, बीसी संरचना को दर्शाता है। ब्रैग समीकरण से प्राप्त तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात तथा मिलर घातांकों से प्राप्त तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात, मिलर घातांकों से प्राप्त तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात, तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात किसको दर्शाता है, बीसीसी संरचना को इंगित करता है या बीसीसी संरचना को प्रदर्शित करता है, बीसी संरचना को प्रदर्शित करता है, अनुपात बीसीसी संरचना को प्रदर्शित करता है, ठीक है। बीसी संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये हो गई सीजियम क्लोराइड की बीसीसी संरचना, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की बीसीसी संरचना, ठीक है।
फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट है NaCl की संरचना। तीसरी कौन सी है? NaCl की संरचना। तीसरी है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की संरचना। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड की संरचना क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 के मध्य होने के कारण यह FCC संरचना प्रदर्शित करता है। NaCl का त्रिज्या अनुपात जो है वो 0.414 से 0.732 के मध्य होने के कारण यह FCC संरचना प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिसमें Cl- आयन जो है वो क्या करते हैं? FCC संरचना निर्मित करते हैं, और सोडियम जो है वो इसके अष्टफलक की रिक्तिकाओं में क्या करता है? स्थान ग्रहण करता है। Cl- आयन जो है वो FCC संरचना निर्मित करते हैं, और सोडियम प्लस आयन जो है वो इसके अष्टफलक की रिक्तिकाओं में क्या करता है? स्थान ग्रहण करता है। ठीक है, तो NaCl के त्रिज्या अनुपात से NaCl के त्रिज्या अनुपात से क्या है इसका त्रिज्या अनुपात, मैं यहां लिख लेती हूं 0.414 से क्या होता है 0.732 के मध्य होता है। तो NaCl का त्रिज्या अनुपात इसके मध्य होने के कारण ये क्या करता है? FCC संरचना प्रदर्शित करता है। तो NaCl के त्रिज्या अनुपात से यह FCC संरचना निर्मित करता है। ठीक है, NaCl का त्रिज्या अनुपात से यह FCC संरचना निर्मित करता है। फिर इसमें क्या होता है? सीजियम जो है, सॉरी सीजियम क्या, क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो क्या करता है? Cl- जो है वो FCC संरचना निर्मित करता है। Cl- FCC संरचना निर्मित करता है। Cl माइनस क्या करता है? FCC संरचना निर्मित करता है, जिसमें Na प्लस जो है वो इसके अष्टफलक की रिक्तिकाओं में क्या करता है? स्थान ग्रहण करता है, तथा Na प्लस इसके अष्टफलक की रिक्तिकाओं में क्या करता है? स्थान ग्रहण करता है, अष्ट फलकीय रिक्तिकाओं में स्थान ग्रहण करता है। ठीक है, तो Cl- FCC संरचना निर्मित करता है, तथा Na+ इसके अष्टफलक की रिक्तिकाओं में क्या करता है? स्थान ग्रहण करता है। ठीक है, तो Cl- क्या करता है? FCC संरचना निर्मित करता है। तो अपन एक घन बनाते हैं। FCC संरचना में हम सबको पता है कि कण कहाँ कहाँ स्थित होते हैं FCC संरचना में। FCC संरचना में कण जो है वो कोनों के अतिरिक्त कहाँ स्थित होते हैं? फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, है ना। हम जानते हैं कि FCC संरचना में कण कोनों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ स्थित होते हैं? और फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो एक मिनट है, सबसे पहले तो मैं ये लिख लेती हूँ कि इसमें क्लोरीन कहाँ उपस्थित होता है और Na प्लस कहाँ उपस्थित होता है। ठीक है, तो Na प्लस जो है वो कहाँ कहाँ होगा? Na प्लस जो है एक तो काय केंद्र पर स्थित होगा और किनारों के केंद्र पर स्थित होगा, काय केंद्र पर और किनारों के केंद्र पर, किनारों के केंद्र पर। ठीक है, फिर Cl- आयन कहाँ कहाँ स्थित होता है? घन के कहाँ कहाँ, घन में कहाँ कहाँ स्थित होता है? तो
सीएल माइनस जो है वो एक तो कोनों पर स्थित होता है और दूसरा फलक केंद्र पर, कोनों पर और दूसरा कहां पर, फलक केंद्र पर, ठीक है। और ये क्या करता है, इसके अष्टफलक की रिक्तिकाओं में स्थान ग्रहण करता है, अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में, अष्टफलकीय अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में स्थान ग्रहण करता है, ठीक है, अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में स्थान ग्रहण करता है, ठीक है। अब देखो काय केंद्र, सोडियम कहां है, काय केंद्र पर है और किनारों के केंद्र पर है, और सीएल माइनस कोनों पर है और फलक केंद्र पर है। तो हम क्या करते हैं, एक घन बना लेते हैं, इसको मैं उस साइड लिख लेती हूँ थोड़ा, सीएल माइनस कोनों पर और फलक केंद्र पर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एफसीसी संरचना निर्मित करता है ना, ये क्या करता है, एफसीसी संरचना निर्मित करता है, मतलब एफसीसी संरचना में कण कहाँ कहाँ होते हैं, एक तो कोनों के अतिरिक्त क्या होते हैं, फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। तो सीएल माइनस क्या करता है, फलक एफसी संरचना निर्मित करता है और एनए प्लस इसके अष्टफलक की रिक्तिकाओं में क्या करता है, स्थान ग्रहण करता है, ठीक है। तो हम एक घन बनाते हैं, क्या करते हैं, हम एक घन बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं सीएल माइनस है, ठीक है। तो ये क्या है, कोनों पर स्थित है, ठीक है, एक तो पहले कोनों पर, कितने कोने हैं, आठ कोने हैं, तो आठ कोनों पर ये स्थित है, ये आठ कोने हो गए, ठीक है, तो ये आठ कोनों पर स्थित है। फिर ये कहाँ स्थित है, फलक केंद्र पर, तो अपन ये वाला फलक लेते हैं इसके केंद्र में, ठीक है, एक ये पीछे वाला फलक लेते हैं, ये इसके केंद्र में हो गया, एक ये वाला फलक लेते हैं, तो ये कौन से केंद्र में हो गया, ये इसके केंद्र में हो गया, ठीक है, इस फलक के केंद्र में, थोड़ा इधर बना, ठीक है, फिर ये वाले फलक के केंद्र में, फिर ये नीचे वाले फलक के केंद्र में, फिर ये साइड वाले फलक, ये जो साइड वाला फलक है ना उसके केंद्र में, ठीक है, छह फलक है, छह फलक के केंद्र में क्या स्थित होता है, सीएल माइनस आई होता है। अब हम बात करते हैं एनए प्लस आईएम की, जो किसमें और कहाँ कहाँ स्थित होता है, एक तो काय केंद्र में, तो ये बना लिया अपन ने काय केंद्र में, ठीक है, फिर कहाँ उपस्थित होता है, किनारों के केंद्र पर, ये क्या है, किनारे हैं, तो किनारों के केंद्र पर बना लेते हैं अपन, किनारों के केंद्रों पर बना लेते हैं, हो गए सारे किनारे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक है, बारह किनारे हैं, बारह किनारों के केंद्रों पर बनाना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये देखो ये क्या है, सीएल माइनस आयन है, ठीक है, और ये क्या है, एनए प्लस आयन है, जो कि केंद्र पर भी उपस्थित है, ठीक है, ये क्या है, केंद्र पर भी उपस्थित है, तो ये क्या है, एनए प्लस आयन है। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक हम इकाई यानी कि एक कोष्टिका लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसकी एक कोष्टिका लेते हैं, तो क्या है एक कोष्टिका इसकी, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, ये ये ये
तो ये क्या है, एक एकक कोष्ठिका बन गई इस क्रिस्टल की, एक क्या है ये एकक कोष्ठिका बन गई है। तो इसको हम क्या करते हैं, अलग से बनाते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अलग से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये Cl है, यहाँ पे Na प्लस है, यहाँ पे Cl है, ठीक है, यहाँ पे Na प्लस है, यहाँ पे भी Na प्लस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है Cl है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये भी Cl है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है Na प्लस है। तो देखो ये क्या है, अल्टरनेट जुड़े हुए हैं, ये Cl माइनस है, ये क्या है Na प्लस है, ठीक है, तो ये क्या है Cl माइनस और Na प्लस आयन क्या है, अल्टरनेट जुड़े हुए हैं। देखो ये Na प्लस आयन Cl माइनस आयन और Na प्लस आयन, Na प्लस आयन Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, Na प्लस आयन Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, तो ये क्या है, अल्टरनेट जुड़े हुए हैं। तो बैच समीकरण से तथा मिलर घातांकों से ज्ञात क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात भी इसकी क्या करता है, ऐसी संरचना की पुष्टि करता है। ठीक है, तो हम फटाफट बोल लेते हैं, तो हम बच्चा है, तो क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरियों का अनुपात क्या लेंगे, इसमें हम 200, ठीक है, D220 और D111, ठीक है, तो वो निकालेंगे अपन अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे a अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यहाँ पे भी अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या आता है a अपॉन रूट 2 आता है, ठीक है, और ये क्या आता है a अपॉन अनुपात a अपॉन रूट 8 आता है, ठीक है, ये क्या आता है a अपॉन रूट 3 आता है, ठीक है, तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 into 2, 4 root 4 का मान क्या होता है 2, तो ये क्या आ गया a upon root 2 अनुपात a upon 2 root 2 अनुपात a upon ये root 3 है यहाँ पे ना, root 3 a upon root 3, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 2 से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 और 2